हेलो गाइस, दिस इज शोएब। और गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शाओमी की मी A3 के बारे में, जो होने वाला है मी A2 का सक्सेसर। तो ये डिवाइस, मतलब इस डिवाइस का बहुत सारे लीक अभी सामने आया है, तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसी के बारे में। तो यार, रिसेंटली दो कोड नेम सामने आया है जो कि शाओमी का मोबाइल का है, बैम्बू स्प्राउट और कॉस्मो स्प्राउट। और ये जो स्प्राउट है, ये मतलब टोटली इंडिकेट करता है कि एंड्रॉयड वन स्मार्टफोन आने वाला है शाओमी की तरफ से। तो शाओमी की तरफ से एंड्रॉयड वन मिड रेंज सीरीज़ में, जो कि है शाओमी का मी ए सीरीज़। तो मी A3 आने वाला है, इसका हिंट आ गया है और बहुत सारे लीक भी अभी सामने आया है। तो रिसेंटली चाइना में लॉन्च होने वाला है, मतलब लॉन्च होने वाला है उसका, बहुत सारे लीक अभी सामने आया है शाओमी का मी 9X। तो वो लॉन्च होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये जो मी 9X है, वही हमें इंडिया में देखने के लिए मिलेगा शाओमी मी A3 के नाम से, और एंड्रॉयड वन इंटीग्रेशन के साथ आएगा। जैसे कि मतलब चाइना जो वेरियंट है उसमें मी UI वर्जन हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो वो ही वेरियंट हमें इंडिया में देखने के लिए मिलता है एंड्रॉयड वन इंटीग्रेशन के साथ। तो पहले जो शाओमी मी A1 लॉन्च हुआ था, उसका नाम था लाइक, मतलब वो चाइना में लॉन्च हुआ था मी 5X के नाम से, मी A2 हुआ था मी 6X के नाम से, और अभी जो मी 9X है, मुझे लगता है, हार्डली लगता है कि मी A3 के नाम से इंडिया में लॉन्च हो जाएगा वो। तो यार, ये जो मी A सीरीज़ है, इनका मतलब हाईलाइटेड फीचर क्या है, क्या कुछ इस डिवाइस को बहुत ही यूनिक करता है? तो सबसे पहला जो बात है वो है एंड्रॉयड वन इंटीग्रेशन। तो एंड्रॉयड वन इंटीग्रेशन के साथ ये डिवाइस हमें देखने के लिए मिलेगा, और कैमरा जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है मी A सीरीज़ का। लेकिन मी A1 की बात करें तो उसका कैमरा बहुत ही अच्छा था, मी A2 का उतना अच्छा नहीं था, लाइक उतना इंप्रेसिव नहीं था। फिर हम बोल सकते हैं मी A3 का भी कैमरा बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो लीक आया है मी 9X का, उसके हिसाब से बहुत ही तगड़ा है ये। तो बात करें अगर हाईलाइटेड फीचर की मी A3 का, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिवाइस बहुत ही कमाल हो, मतलब होने वाला है। इस डिवाइस में हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलेगा, एंड्रॉयड ऑन इंटीग्रेशन के साथ इंडिया में लॉन्च होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। जैसे कि इस डिवाइस का कोड नेम सामने आया है स्प्राउट, और ट्रिपल रियर कैमरा मैं बोल चुका हूँ, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें देखने के लिए मिलेगा। और कैमरा जो होने वाला है वो एकदम बीस्ट होगा इस डिवाइस का, और प्राइसिंग के हिसाब से मतलब बहुत ही अच्छा कैमरा हमें प्रोवाइड करेगा मी A3। तो यार, सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल की डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो डिज़ाइन की बात करें तो ये मतलब लग सकता है, आपको देखने में लग सकता है शाओमी की मी जो मतलब शाओमी का जो नोट 7 प्रो लॉन्च हुआ है वैसे ही लग सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा सुंदर होगा देखने की, मतलब देखने में। तो पीछे की तरफ, सामने की तरफ हमें ग्लास बैक ही देखने के लिए मिलेगा, रियर पैनल में हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलेगा, रियर पैनल में कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने के लिए मिलेगा, सामने की तरफ हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, जो लीक आया है मी 9X का, उसमें हमें इन मतलब उस लीक्स के हिसाब से हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा। जो डिस्प्ले होने वाला है, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो एमोल डिस्प्ले होगा, हमें इस डिवाइस में एमोल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा शाओमी की मी A3 में। और वाटर ड्रॉप लाइक नॉच हमें देखने के लिए मिलेगा, उस नॉच में हमें फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा जनरली। और यार, जो रेंडर सामने आया है उसके हिसाब से इस डिवाइस का लाइक बेजल बहुत ही कम है, लाइक Redmi Note 7 Pro का जो नीचे की तरह जो चिन्ह है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उससे चिन्ह छोटा होगा हम बोल सकते हैं मी A3 में। और साइड का जो बेजल भी है वो भी कम होगा बहुत ही, लाइक एज कम्पेयर टू नोट 7 प्रो। तो बोथ साइड में हमें 2.5D गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, और रियर साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें लाइक मतलब ग्रेडियंट ह्यू कलर देखने के लिए मिलेगा, और काफ़ी लोग इसे बोलते हैं होलोग्राफिक कलर। तो होलोग्राफिक कलर हमें रियर साइड में देखने के लिए मिलेगा शाओमी की मी A3 में। तो यार, ये गया डिस्प्ले और डिज़ाइन के बारे में, मतलब अभी बात करते हैं इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो लीक एज पर लीक इस डिवाइस में हमें देखने के लिए मिलेगा स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर, जो कि हमें देखने के लिए मिला था शाओमी का मतलब रेडमी नोट 7 प्रो में, तो वही प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम आशा कर सकते हैं उससे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है, लाइक उसमें हमें MIUI वर्जन देखने के लिए मिलता है कस्टम MIUI, लेकिन यहाँ पे हमें मतलब एंड्रॉयड वन का प्योर एंड्रॉयड देखने के लिए मिलेगा, एंड्रॉयड वन का इंटीग्रेशन। तो काफ़ी सारा ब्लोटवेयर नहीं होगा, एड्स वगैरह हमें नहीं मिलेगा लाइक, तो उसके वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस हम ज़्यादा अच्छा आशा कर सकते हैं इस डिवाइस में शाओमी की मी A3 में। और एंड्रॉयड पाई के साथ हमें ये डिवाइस देखने के लिए मिलेगा, और रैम स्टोरेज वेरियंट जो लीक हुआ है उसके हिसाब से ये डिवाइस लाइक चाइना का जो वेरियंट है मी 9X, वो लॉन्च होगा सिर्फ 6GB प्लस 64GB रैम स्टोरेज ऑप्शन के साथ, मतलब एक ही ऑप्शन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में 4+64GB वेरिएंट में भी आ सकता है ये डिवाइस। और रैम की क्वालिटी की बात करें, LPDDR4 का रैम हमें देखने के लिए मिलेगा इस डिवाइस में, और eMMC 5.1 का स्टोरेज। और मी A2 जो था ना, उसमें हमें मतलब हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिला था, लेकिन इंडिया में लाइक ट्रिपल स्लॉट बहुत लोगों को चाहिए होता है, तो हम आशा नहीं कर सकते इस डिवाइस में ट्रिपल स्लॉट होगा, लाइक हाइब्रिड सिम स्लॉट ही हमें देखने के लिए मिलेगा। और मी A2 में ना मतलब जो 3.5mm ऑटो जैक है वो भी नहीं था, तो ये मतलब चांस यही है कि इस डिवाइस में भी नहीं हो, मतलब नहीं देखने के लिए मिलेगा हमें 3.5mm ऑडियो जैक। तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, लाइक अगर आपको कैमरा बहुत ही अच्छा चाहिए तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा लाइक 3.5mm ऑडियो जैक को और हाइब्रिड सिम स्लॉट को।
तो अभी बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरे के बारे में। तो इस डिवाइस का कैमरा भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, लाइक शाओमी का रेडमी नोट 7 प्रो में जो सेंसर हमें देखने के लिए मिला था, मतलब सोनी का IMX586 का, वही सेंसर हमें इस डिवाइस के रियर पैनल में देखने के लिए मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586, साथ ही साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने के लिए मिलेगा, प्लस 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी होगा। तो ट्रिपल रियर कैमरा हमें रियर साइड में देखने के लिए मिलेगा। और फ्रंट की बात करें तो हमें यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल सकता है एज़ पर लीक्स, जो कि काम करता है 4:1 पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करेगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि इस डिवाइस का कैमरा अच्छा होने वाला है, कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है विद एंड्रॉइड 1 इंटीग्रेशन, और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। बात करें अगर बैटरी कैपेसिटी की तो इस साइड में ही थोड़ा सा कम है, लाइक 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी अगर इस डिवाइस में होता तो कंप्लीट पैकेज हो सकता था ये डिवाइस, लेकिन फिर भी 3300 mAh का बैटरी कैपेसिटी हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिलेगा। और क्विक चार्ज 4.0 प्लस का सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और कुछ लीक ऐसा आ रहा है कि इस डिवाइस का जो इंडियन रिटेल यूनिट होगा उसके अंदर हमें जो फास्ट चार्जर है 18W फास्ट चार्जर वो इंक्लूडेड मिलेगा। मतलब हालांकि मतलब शाओमी का जो फ़ोन होता है ना उसमें मतलब फास्ट चार्जर इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन चाइना वेरिएंट में लाइक मैं बात कर लूँ अगर रेडमी नोट 7 प्रो की, तो रेडमी नोट 7 प्रो का जो इंडियन वेरिएंट है उसमें 10W का चार्जर इंक्लूडेड था बॉक्स में, लेकिन जो चाइना वेरिएंट रेडमी नोट 7 प्रो उसमें हमें मतलब उस बॉक्स में हमें फास्ट चार्जर इंक्लूडेड देखने के लिए मिला था। तो ये चांस मतलब हो भी सकता है कि फास्ट चार्जर दे, नहीं भी हो सकता है, लाइक अभी कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। तो यार अभी बात करते हैं इस डिवाइस की प्राइसिंग के बारे में। तो इस डिवाइस का प्राइसिंग हो सकता है 15,000 से लेकर 16,000 के बीच में, इस डिवाइस का बेस वेरिएंट 4+64 आ सकता है लाइक इंडिया में। तो 15,000 से लेकर 16,000 की प्राइसिंग रेंज में अगर ये डिवाइस लॉन्च होता है तो बहुत ही अच्छा होगा लाइक हम बोल सकते हैं। तो शाओमी मतलब रेडमी नोट 7 प्रो और ये जो मी A3 है यही राज करेगा लाइक 20,000 के नीचे की प्राइसिंग रेंज में, लाइक स्मार्टफोन रेंज में। तो एंड्रॉइड 1 इंटीग्रेशन है, बहुत ही अच्छी बात है ये, और कैमरा भी बहुत ही अच्छा होने वाला है इस डिवाइस का, डिस्प्ले भी एमोल डिस्प्ले होगा, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो मतलब 15,000 से 16,000 की प्राइसिंग सेगमेंट में हम इसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन फिर बोल सकते हैं अगर इसी प्राइसिंग रेंज में इसी स्पेसिफिकेशन रेशियो के साथ लॉन्च होता है तो। और गाइस अगर बात करें लॉन्चिंग की तो इसके बारे में लाइक अभी कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आया है, लेकिन मतलब एज़ पर लीक इस डिवाइस का मतलब शाओमी का जो Mi 9X है वो चाइना में लॉन्च होने वाला है लाइक अप्रैल के महीने में, ऐसे ही लीक सामने आया है। और मुझे ये नहीं लगता है कि मई मंथ में ये डिवाइस लॉन्च होने वाला है, मतलब सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2019 के एंड में हो सकता है, तो जून में हो सकता है लॉन्च, अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, मतलब सेकेंड क्वार्टर की एंड में हो सकता है या फिर थर्ड क्वार्टर की शुरू में भी लॉन्च हो सकता है ये डिवाइस शाओमी की Mi A3 इंडिया में। तो यार इतना ही कुछ लीक हुआ है अभी इस डिवाइस के बारे में, मतलब ऐसा हो सकता है ये डिवाइस। और 15-16,000 की प्राइसिंग रेंज में अगर हमें मतलब इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एमोल डिस्प्ले, बहुत ही अच्छा कैमरा, अच्छा प्रोसेसर हम बोल सकते हैं इसको स्नैपड्रैगन 675 को, मतलब ऐसा कुछ पैकेज अगर हमें 15,000 से लेकर 16,000 की प्राइसिंग रेंज में मिले तो बहुत ही अच्छा होगा, और एंड्रॉइड 1 इंटीग्रेशन के साथ आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और बहुत सारे लोगों को तो मतलब कस्टम मतलब स्टॉक एंड्रॉइड ज़्यादा पसंद आता है, तो स्टॉक एंड्रॉइड बहुत ही अच्छा कैमरा बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप मुझे बताना कि आप क्या इंटरेस्टेड हो शाओमी की Mi A3 में, तो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और इतना ही था वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम शेखर और मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।